बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने रूरल पेपर हैकर में। मैं सूरतराज, आज के वीडियो देखने वाले हैं जो भी छात्र नकल कर रहे हैं, वो नकल करते पकड़े जाने पर उनको कैसे बचाव कर सकते हैं, वो क्या है उनका तरीका और वो किस तरीके से बच सकते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। यदि आप भी नकल करके या नकल लेके जाते हैं तो आज के बाद मत लेके जाना, क्योंकि हम 1 साल के लिए या फिर 6 महीने के लिए आप रेस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब बात करने वाले हैं सबसे पहले हमको क्या करना होगा। देखो ध्यान से देखो, यदि आपको पेपर पे नकल पकड़ते, नकल सबसे मैटर है, नकल ये नकल करने का। और नकल करते ही पकड़े जाने पर आपको मिलता है यूएफएम का एक फंडा, कह सकते हैं कि यूएफएम का गिफ्ट मिलता है आपको, जिसमें गिफ्ट में क्या मिलेगा, यूएफएम जब नकल करते पकड़े जाते हो तो यूएफएम में गिफ्ट मिल जाता है। और यूएफएम का मतलब होता है कि आप पूरी तरीके से फेल हो, आपको कोई मतलब नहीं है, 1 साल आपको पूरा खत्म किया जाता है। सिंपल तरीके से, सेमेस्टर हो तो 1 सेमेस्टर खत्म कर दिया जाएगा, 1 साल है तो 1 साल पूरा खत्म कर दिया जाएगा। ये सिंपल तरीके से होता है, ठीक है। और ज्यादा ही आपने किसी टीचर के साथ बदतमीजी या गाली गलौज के साथ में अपनी पावर दिखाने की कोशिश की तो हो सकता है 2-3 महीने के लिए आप खत्म हो जाए। तो एक कॉल आ रहा है मेरे पास में, आवाज आती होगी तो इस कॉल से बात करते हैं। इस छात्र ने अभी नकल करते हुए पकड़ा गया, बात करते हैं। लेकिन मैं किसी का नाम यहाँ नहीं ऊपर करूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है और ना यूनिवर्सिटी को जरूर नाम बता देता हूँ, लेकिन आपका कॉलेज बच्चे का छात्र का मैं किसी का नाम को ओपन नहीं करता हूँ। हेलो, मैं कॉल कर लेता हूँ, उसका कट चुका है, दोबारा कॉल करते हैं। जी नमस्ते, कोचिंग में आया हूँ जरा, मैं में हो? सर मैं आपसे 1 घंटे बाद बात करूँ जरा मैं। ठीक है कोई इशू नहीं है, बताइए। ओके ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते। तो इसकी भी नकल पकड़ी गई है, तो ये कॉल कर रहा था मुझे काफ़ी टाइम से, लेकिन मैंने अभी हाल ही में जब टाइम मिला मैं सोचा कि एक वीडियोस बना दूं आपके लिए, क्योंकि आप लोग विश्वास जरूर कर किया करो। और कोई भी छात्र नकल कर रहा है तो उसको रोको यार, उससे कहो ऐसा मत करो। और यदि ऐसा करना है ना तो डिस्टेंस से एडमिशन ले लो, कोई इशू नहीं है, घर बैठे कॉपी लिख देना और पढ़ने मत जाना, रिजल्ट आ जाएगा, डिग्री मिल जाएगी, सब कुछ मिल सकता है, समझ रहे ना। तो ऐसा उनसे बोल देना यदि वो ऐसा कर रहे हैं। तो एक नंबर और आ रहा था सुबह मॉर्निंग में, शायद काफ़ी बार मुझे कॉल किया है उन्होंने, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, शायद ये नंबर था, चेक करता हूँ, यही था, कोई और था, बहुत सारे कॉल आते हैं इधर में। एक फीमेल थी, इससे बात करते हैं। हेलो जी, कॉल आया था आपका मॉर्निंग में, मॉर्निंग में कॉल किया था आपने, बोलो बोलो। फोन में है ना, पेपर में उनको पकड़ लिया था, उसके हिसाब से कहते तो मैं कॉल किया था आपका चैनल देख। नहीं, बात तो आपसे हुई थी मेरी मॉर्निंग में, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको इवनिंग में कॉल करूंगा, आपसे बात हुई थी ना मेरी, तो मेरे से बात नहीं हुई तो अभी कॉल आया आपका। नहीं, बात तो शायद किसी से, जो भी हुई बताओ क्या हुआ, फिर बताओ, चीटिंग की बात कर रहे थे। हाँ, तो यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो लगा नहीं तो किसी और को भी कॉल किया था। यूनिवर्सिटी तो कौन सी है, कॉल किया ऐसा क्या होता, यूनिवर्सिटी कौन सी है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश में है ये, भोपाल। हाँ भोपाल मध्य प्रदेश जी। तो इसका इनका है क्या बीए बीएससी, क्या है, हाँ? क्या है, बीए कर रहे थे बीएससी कर रहे थे, वो एम कॉम कर रहे थे। यदि देखो चिट पकड़ी जाती है ना तो आप सिंपल तरीके से यूनिवर्सिटी जाना होगा, यदि बी कॉपी मिली है तो, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में एक जी मतलब एक कॉपी आप लिखते होते हो वो जमा हो जाती है, उतने टाइम सील लगा लेते हो, उसको बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद में बी कॉपी दे दी जाती है कि भाई अब तुम ये इस पे कॉपी कर, मतलब इस पे लिखो जो भी लिखना है। हाँ तो ये होता है। अब उनको क्या करना होगा, मतलब यदि ऐसा कुछ हुआ है, बी कॉपी उनको मिली है, तो आप वो यूनिवर्सिटी चले जाए, मतलब कि लगभग कब पेपर खत्म होगा उनका पेपर, पेपर खत्म हो जाएंगे परसों। हाँ। परसों के बाद में वो लगभग एक लेटर आएगा यूनिवर्सिटी के साइड से, उनसे बोल देना। जी परसों आएगा, नहीं परसों नहीं आएगा, मतलब यूनिवर्सिटी के साइड में कभी भी 10-12 दिन के अंदर आ सकता है,
या फिर ईमेल वगैरह फोन वगैरह कर सकते हैं वो लोग यूनिवर्सिटी वाले, ईमेल आईडी वगैरह तो रहती थी। मतलब उन्होंने दी होगी, यदि दी होगी तो करेंगे, वरना पोस्ट ऑफिस द्वारा उनके एड्रेस पर, जो एड्रेस होता है घर का, वहां पे एक लेटर आएगा। कहाँ से मिलता है भैया क्या घर का एड्रेस? घर का एड्रेस तो कॉलेज के पास मेरी हमेशा रहता है तो हर स्टूडेंट का। डिग्री आई थी, हम लोग ने डिग्री अप्लाई किया था, वो तो मेरे घर तक फिर आए नहीं, हम लोग वहाँ गए पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से फिर हम लोग फिर गए, हमारी तो डिग्री आती ही नहीं एड्रेस पे। एड्रेस पे थोड़ी डिग्री नहीं समस्या आती है, कोई इशू नहीं है, डिग्री की बात नहीं कर रहा, डिग्री तो कॉलेज जाना पड़ता है लेने के लिए, हाँ डिग्री की बात नहीं कर रहा। ये लेटर जो आएगा वो यूफेम द्वारा जो आपके घर पे आएगा एक लेटर, ठीक है। एड्रेस सबके, यार कॉलेज के पास आपका आधार कार्ड नहीं है क्या? हाँ हाँ आधार तो कार्ड क्यों तो नहीं है है। बताओ, जब भी आप फॉर्म फिल करते हो तो आपका एड्रेस पड़ता है, नहीं पड़ता है? हाँ हाँ तो क्या पढ़ते पता हैं। उनके, वो क्या नहीं है आपके पास, उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन सारी है। तो आप ऐसा करिए, वो आपके पास एक आएगा लेटर, उसको रिप्लाई करना होगा, फीडबैक देनी होगी अपने तरफ से, ठीक है। फीडबैक के मतलब यही कि रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मैंने ऐसा नहीं किया था, और किया था या नहीं किया था, वो सब कुछ लिखना पड़ेगा कि मैंने एक नकल नहीं पकड़ी थी, किसी और ने फेंकी थी मेरे साइट में, मैंने उठा के देख रहा था तब तक टीम आ गई, मैंने उसमें से कुछ नहीं किया है, यही सब कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से अपना बचाव के लिए, जो भी अपना बचाव पक्ष होता है उसके थ्रू आप बोलना पड़ता है वहाँ, ठीक है। मतलब उसमें लिखना होता है एक लेटर में, उसको यूनिवर्सिटी को सेंड करना होता है पोस्ट द्वारा, या फिर आप खुद चले जाइए यूनिवर्सिटी, ठीक है, और वहाँ मिल लो किसी टीचर से, और मिलने के बाद में उनको जो भी है खर्चा पानी जो भी देना है वो दे सकते हो, और जैसे पट रहा है आपका उसके तरीके से आप बच सकते हो, वरना इसमें कोई इशू नहीं है। कहाँ इतनी बड़ी भैया, हम लोग को, मैं तो अपनी डिग्री लेके परेशान करते, तो ये तो फिर और ज्यादा परेशान नहीं, आप करेंगे। गोपनीय विभाग में जाओ सीधे, किसी को जरूरत नहीं कहीं जाने की, गोपनीय विभाग में बात करके आप कर लो, खत्म हो जाएगा इशू। गोपनीय विभाग हमको में जाना पता होता है रहता है सारी चीज, जी। पता रहता है हमको सारी चीज। हाँ, आप सीधे गोपनीय विभाग में जाना, उनसे कहना ऐसी सी बात है, वो आपको समझ जाएंगे, और लेट आपका वो आपका जो एडमिट कार्ड है उसको लेके जाना है। तो फिर हम लोगों को कैसे पता चलेगा उनने करा है या नहीं करा है? जब रिजल्ट आएगा ना तो क्लियर का रिजल्ट आएगा तो ठीक है, यदि पेपर में यूफेम लिख के आ गया तो आप समझ लीजिए कि आप फेल हैं, और आपको 1 साल बर्बाद हो जाए, 1 साल बाद मतलब एडमिशन होगा दोबारा, अगर यूएसएम लिख के आ गया तो हम लोग के का कौन सा है सेकेंड सेकंड ईयर चल रहा है अभी, सेकंड ईयर चल रहा है तो सेकेंड ईयर दोबारा से करेंगे वो। हाँ नहीं सेकंड सेम चल रहा, तो फिर सेकंड सेम दोबारा से करना पड़ेगा, हाँ सेकेंड सेम दोबारा करना पड़ेगा मतलब अगले साल। जी। हाँ हम लोग इनने अभी, मैंने अपने किसी फ्रेंड से भी पता करा था, तो उसका भी ऐसे हुआ था, वो भी गवर्नमेंट मैं था, उसका भी पकड़ा गया था, उसके भी साइन हुए थे, मगर है ना वो बोलता था कि उसको वो आई थी सप्ली करके आया था, मतलब सप्ली करके ही फॉर्म पड़ता है वो, सप्ली करके एक फॉर्म आता है हाँ दोबारा से, मतलब को उसको फॉर्म फिल करने के लिए, तभी फॉर्म डालोगे तभी हो जाएगा भाई, बता ना, दोबारा से आपको करना पड़ेगा सारा प्रोसेस, वही करना पड़ेगा जो हम लोग एग्जामिनेशन जो फॉर्म भरते हैं ना वैसे ही। अच्छा, मतलब सप्ली ये का मतलब फॉर्म आता है हर साल, मैं जो बच्चा नकल करते पकड़ जाते हैं, फेल हो जाते हैं, हाँ उनके लिए पास होने के लिए दोबारा से, अच्छा, उसी सब्जेक्ट की सप्लीमेंट्री उस आएगी सब्जेक्ट मतलब, का नहीं, आल सब्जेक्ट का। अच्छा ऑल सब्जेक्ट की सप्लीमेंट्री आएगी, जी जी मतलब जी वो जी आल का तीन पड़ेगा, आएगी। एक का नहीं आल का होगा, जब यूफेम लिख के आता है तो आल का होगा, UFM पूरे, हाँ सभी सब्जेक्टों का आता है, सभी पेपर देने पड़ेंगे दोबारा से। उससे फर्क नहीं पड़ता है, प्राइवेट या सरकारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल सभी के एक होते हैं, यूनिवर्सिटी एक होती है, यूनिवर्सिटी ही रूल फॉलो करती है, मतलब बनाती है, वही फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो भी रूल बनाते हैं तो ठीक जी, जब नकली करनी है तो डिस्टेंस एडमिशन किया करो, डिस्टेंस एडमिशन होता है उसमें कॉपी आपको घर बैठे मिल जाती है, समझ रहे हैं ना, मतलब घर बैठे आपको कॉपी मिलेगी, लिख के दे दो, है। यूनिवर्सिटी चेक कर लेती है, नंबर दे देती है। डिग्री
देखो नकल करना, सुनो, ऐसे पढ़ाई करने से फिर फायदा क्या, नकल कर रहा हूँ। नहीं करना ही है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेना ही है, तो क्या दिक्कत है, डिस्टेंस से कर लो, है ना। नहीं तुमने नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ कोई है अब उसको एडवाइस दो यार, ऐसा ही करना होता है। देखो पढ़ाई है तो उसको शिद्दत से करो, दिल से करो, है ना। अब यही चीज करना है तो वो चीज़ गलत है ना। अब जब से करोगे तो वो तो भरना ही भरना है। अब ऐसा करो यूनिवर्सिटी चले जाना, हो सकता है वहाँ से ठीक हो जाए, उन्हें भेज देना। होगा वहाँ टीचर से बात कर लेना, वो वहाँ यार एक बंदा टीचर है परमानेंट, वहाँ से कुछ गलत थोड़ी करेगा हमारे साथ। हाँ वहाँ जाके कर लोगे तो बढ़िया है, मान लो सच में वो नकल करी उस, ऐसा होता है ना पर्ची, यदि आपकी पर्ची है भाई आपने सेम टू सेम उतार दिया तो वहाँ चेक होगी वो पर्ची, कहाँ इस बंदे ने कौन सा क्वेश्चन सेम टू सेम उतारा है। यदि उतारा है गलती की है तो आप पक्का है कि आप पे लगेगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेट होंगे आप, 6 महीने के लिए भी हो सकते हो, 1 साल के लिए भी हो सकते हो यदि नकल की है। और नकल नहीं की है जो आपका एविडेंस लेके गए हैं और वो सेम टू सेम नहीं मिल रहा है तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, मतलब ही नहीं है फिर ये फिल्म लगने का। जी नहीं यार भाई बता तो रहा हूँ ना, अब यदि लिखा है उन्होंने मैच करेंगे ना, अब मैं तो ऐसे देखे नहीं है कॉपी, आप भी नहीं देखा है आपने भी, मतलब वो कहने से क्या मतलब होता है, मतलब ये है यदि उसमें से जो पर्ची है वो सेम टू सेम मिलती होगी इनकी कॉपी से तो इन पर यूफेम लगेगा, क्लियर है। आप उससे पहले कि कोई भी लेटर आता है आप यूनिवर्सिटी जाकर उसको संशोधन करा लो, बढ़िया रहोगे, 1 साल बर्बाद नहीं होगा, जो भी 6 महीने का आपका होने वाला है सप्ली की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी उससे बाद में चले जाना, टाइमिंग होता है ना कि 8 दिन के अंदर आपको पेश होना है, मतलब भेजना है अपनी फीडबैक, अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो वो चीज होता है। हाँ लेटर लेके चले जाओ, कोई इशू ना है, दिखा दोगे कि ऐसा ऐसा आया है तो बता देंगे तुम्हें इसमें ऐसा करना होगा, ये करो अपनी सफाई में, एक एड एक एप्लीकेशन लिख के लेके जाना साथ में कि सर ऐसा ऐसा हुआ था, अपनी सफाई लिखनी है कि मैंने नहीं की थी नकल, साफ साफ लिखो उसमें मैंने नकल नहीं की थी, किसी बच्चे ने मुझे फेंका और ये मैंने सिर्फ उठा के देखा था तब तक टीम आ गई सर, ये था, और उसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा है जो नकल मैंने की हो, समझ रहे इस तरीके से बात करनी हो, ठीक है ना। बाकी आप उन्हें समझा दीजिएगा इनसे, मगर वो लिखवाया था तो इनमें लिखा था कि मतलब उनमें लिखा मतलब कितनी मतलब वो बोल रहे हैं कि एक पेज था मतलब उनका रोल नंबर के था, कुछ शायद उनके दोस्त बता रहे होंगे क्या बता रहे होंगे, तो उन्हें लिखा था तो वही लिखा हुआ पकड़ा गया ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि रोल नंबर के। समझ गया, एडमिट कार्ड वही लेके गए होंगे, उसमें लिख के ले गए होंगे पेल्सिन फेल्सिन से। चलो कोई नहीं, तुम ऐसा करो, दोस्त वोस्त कोई नहीं बताता है, ऐसा करो आप उनको भेज देना यूनिवर्सिटी एक बार घूम के आए, ठीक है, यदि हो रहा है तो हो जाए बढ़िया है, वरना इन्वेस्टिगेट तो होंगे ही होंगे, नहीं होता है तो बाकी सिंपली डाल देना, ठीक है। नहीं सबका एक एक रूल होता है, यूजीसी एक ही रूल बनाती है, सब यूनिवर्सिटी यूजीसी की बात मानते हैं, ठीक है ना। अगर होगा तो फिर मतलब एक एक साल या 6 महीने। जी 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 हाँ ठीक, बता देंगे क्या कि कैसे लिखना है तो मैं उनको फॉरवर्ड कर दूँगा मुझे, आप जब भी आए लेटर तो बता देना। तो आपको इसी नंबर पे कॉल, जी जी कॉल कर लेंगे जी, इसमें क्या है लिख के क्या उन्होंने दिया उसके आधार पे ही लिखना भेजेगा ना, जो उसने यूनिवर्सिटी ने आपको क्या आरोप लगाया है उसके आधार पर ही एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा ना। ना भेजे तो आप देख लेना लगभग 8 से 10 दिन रुक जाओ, उसके बाद में यूनिवर्सिटी चले जाना। कंफर्म यदि देखो हर एक यूनिवर्सिटी भेजती है, यदि नहीं भेजता है तो आप यूनिवर्सिटी चले जाना खुद से, उनसे ऐसा कहना सर मेरे नकल पकड़ी गई थी, एक पर्ची पकड़ी गई थी जो मेरी नहीं थी,
और बी कॉपी मुझसे लिखवाई गई, यूफेम लग सकता है सर, और मैं ठीक है मैं गरीब परिवार से हूँ और मैं बार बार आ भी नहीं सकता, और मैं ठीक है ऐसे बोल देना कि मैं बाहर जॉब करता हूँ थोड़ा सा, तो ये ऐसा सब हुआ था मेरे साथ में सर, कुछ करा हो सकता है ये ना आए लिख के यूफेम वगैरह, मैं फेल ना हूँ, 1 साल मेरा बर्बाद ना हो, ऐसे बोलना है उनसे, तो वो तुम्हें बताएंगे कि यहाँ जाइए और ऐसा से मिल लो उनसे, वो रास्ता दिखा देंगे तुम्हें यूनिवर्सिटी में, ठीक है कि कहाँ जाना है, किससे क्या बात करना है। मतलब लेटर आएगा ही आएगा। जी बिल्कुल आता है, हर यूनिवर्सिटी भेजती है, ठीक पहले है आप मुझे बता देना, लेटर आएगा तो मैं आपको बताऊँ। ठीक ठीक ओके। तो गाइज आप देख सकते हैं इस तरीके से सब कुछ होता है, इनको समझाना अपना टाइम बर्बाद करना कहलाता है, तो आप वीडियो को देख लिया करो, मैं सब वीडियो को क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है, और जो भी नकल कर रहे हैं उनसे सावधान रहे और उनसे कह दो कि भैया नकल ना करो, और अड़ोसी पड़ोसी नकल कर रहा है तो देख लेना कहीं तुम्हारे पास पर्ची फेंक दी तो तुम तो गए, तो इसलिए ये भी सती करना कि भाई ये नकल कर रहा है तो बोल दो उसको नकल कर रहा है ये, ठीक है ताकि यार तुम भी सही रह सको और पड़ोसी भी सही रह सको, इसको देख लेना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कभी ऐसा नकल पकड़ी जाती है तो मत करो नकल, सिंपल डिस्टेंस से कर लो, यदि नकल ही करनी है, पास होना है डिग्री लेना है तो डिस्टेंस से ले लो, क्या बात है, मानता उतनी मिलेगी उसको, क्या इशू है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।